बढ़ते हैं आगे। आगरा में 70 साल के आर्मी से रिटायर्ड वृद्ध ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। आपको बता दें कि आर्मी से रिटायर्ड वृद्ध काफी दिनों से बीमार चल रहा था। वहीं परिजनों के मुताबिक मृतक ने बीमार होने की वजह से सुसाइड कर ली। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। जी, गले में नली पड़ी है, नाक में नली पड़ी है, कई तरह के ऑपरेशन, फिर कान खराब हो गया, फिर आँख खराब हो गई, आँख का ऑपरेशन हुआ और मतलब उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता। खाना नली से खाते थे, इधर नली से खाना बाहर निकलता था, हर समय गंदे रहते थे, फिर सफाई कर देते थे हम तो मतलब। औरैया के आयाना थाना क्षेत्र में ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए। नेशनल हाईवे किनारे स्थित मकान की दीवार को तोड़ते हुए एक दुकान में ट्रक घुस गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं रायबरेली मार्ग स्थित बाईपास के सामने अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस हादसे में बाइक पर बैठे 3 साल का मासूम बाल बाल बच गया है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सभी घायलों को CHC सलोन में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वही दुर्घटना को अंजाम देने के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। रुक करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की तरफ। हंस फाउंडेशन द्वारा राज्य को उपलब्ध कराई गई 30 एम्बुलेंस को CM पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज के जन्मोत्सव के मौके पर उत्तराखंड सरकार को 30 एम्बुलेंस और मेडिकल उपकरण दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भोले जी महाराज को जन्मदिवस की बधाई देते हुए कहा है कि यह उत्तराखंड वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि भोले जी महाराज और उनकी माता मंगला जी जैसे व्यक्तित्व हमारे साथ खड़े हुए हैं। वहीं बहादुराबाद में विद्युत कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। बहादुराबाद के कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे विद्युत कर्मचारियों का ये कहना है कि 2017 में एक समझौता हुआ था जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तराखंड गठन के समय केंद्र द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कर्मचारियों के बीच समानता रहेगी, समान वेतन और समान सुविधाएं होंगी, लेकिन सभी आश्वासन और दावे हवा हवाई साबित हुए हैं। परिणाम गजेंद्र कौशिक है। धरने पर बैठने का विशेष कारण यह है कि हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर के हम यहाँ आंदोलनरत हैं। काफी लंबे समय से शासन और प्रशासन को विभिन्न प्रकार के विभिन्न माध्यमों से उनको समझाते रहे। वहीं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन संगठनों के संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों की हड़ताल का असर चमोली जिले के 9 ब्लॉकों में दिखाई देने लगा है, लेकिन अभी भी कुछ जिलों में बिजली आपूर्ति को बंद नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही। आपको बता दें कि राज्य भर के विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का ये कहना है कि उनकी विभिन्न मांगों पर सरकार 2017 से ही मौन है। 2017 में भी उनके संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया और उनकी समस्याओं का समाधान करने की सरकार से गुहार भी लगाई थी, लेकिन अभी तक किसी मांग को पूरा नहीं किया गया है। हमारी और हमने उस समय भी स्ट्राइक पर जाना चाह रहे थे, लेकिन वापस ले लेगा समझौते के तहत। उसके 4 साल बीतने के बाद भी ये उन पर किसी भी हमारी जो ACP की पुरानी व्यवस्था है उसको उस पर कोई नहीं है। ACP की पुरानी व्यवस्था है उसको नहीं किसी प्रकार का डिसीजन हुआ है। और हमारा जो है संविदाकर्मी है, संविदाकर्मियों का जो समान कार्य समान वेतन वाला है, हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं और इसमें। नमस्कार, मैं आज चमोली के दूरस्थ क्षेत्र पेंडर घाटी में हूँ और पेंडर घाटी का ये जो विद्युत जो कॉरपोरेशन का है यहाँ पे उप वितरण खंड है, ये तीनों विकास खंडों का यहाँ से बिजली सप्लाई होती है। और आज से जो विद्युत कर्मचारी हैं वो राज्य स्तरीय जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।
और उनका कहना यह है कि 2017 से लगातार शासन स्तर पर भी उनके जो संगठन है वो बातचीत कर रहे हैं अपनी तमाम समस्याओं को लेकर के, लेकिन उनकी समस्याओं को हमेशा सरकार के पटल पर देखा किया जाता है। तो आज भी जो ये कार्य बहिष्कार है, इससे जो बरसात का मौसम है आम जनता को इससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हमने विद्युत कर्मचारी से पूछा कि जो विद्युत आपूर्ति है वो बहाल रहेगी या उसे बाधित आप करेंगे या जो बाधित हो जाएगी उसको आप पूर्ण सही करेंगे, तो उनका ये कहना था कि हम स्वयं से ही जो विद्युत आपूर्ति है उसको बाधित नहीं करेंगे और किन्हीं कारण से अगर विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है तो वहाँ पर भी वो बहिष्कार के रूप में काम नहीं करेंगे। तो इसलिए जनता को काफ़ी जो भारी मुश्किलें हैं उसका सामना करने की समस्या पैदा हो सकती है। तो सरकार को भी चाहिए कि जो उनकी अपनी वेतन वृद्धि की मांग है, अपनी पेंशन की मांग है, चाहे ओपनल के माध्यम से विद्युत विभाग में जो संविदा कर्मचारी है उनके समान वेतन, समान कार्य, समान वेतन की जो उनकी मांग है, तमाम तरह की मांग है, तो सरकार को भी चाहिए कि उनकी जो विद्युत कर्मचारियों की जो मांग है उन पर तुरंत उनका हल उठ बैठ करके समाधान करने की वो प्रयास करें, ताकि जनता को इस बरसात के सीजन में तमाम तरह की विद्युत आपूर्ति बाधित का सामना न करना पड़े। तो प्राइम टीवी के लिए वही कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद उत्तराखंड की सीमाओं पर मित्र पुलिस का पहरा सख्त हो गया है। एसएसपी ने खानपुर पुरकाजी बॉर्डर और नारसन बॉर्डर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारी मौजूद मिले। एसएसपी संथल ने कर्मचारियों से उनकी समस्या पूछते हुए मौके पर आ रही दिक्कतों की जानकारी ली। वही नियम विरुद्ध आ रहे वाहनों को वापस लौटाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए। पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वहीं लक्सर में भी विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही पूरे जिले में विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई है। आपूर्ति बंद होने से आम लोगों के सामने तमाम परेशानियां खड़ी हो गई हैं। रोजमर्रा के सभी कार्यों पर बिजली बंद का भारी असर पड़ा है। वहीं लक्सर तहसील परिसर में बंद पड़े सभी प्रमाण पत्रों के कार्यों, खसरा खतौनी आदि की नकल मिलने पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया है कि जो समस्याएं आ रही हैं उसकी वजह आपूर्ति बंद होने की है। जैसे ही विद्युत आपूर्ति बहाल होगी तत्काल सभी कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। आप सभी को मालूम है कि इस समय जो बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी की हड़ताल चल रही है, आज ही दिन है, अभी जैसे ही होता है उसमें जैसे कार्रवाई होगी उस तरह से। वहीं हरिद्वार एसएसपी सांथिल अबुदई कृष्णराज एस ने खानपुर थाने का निरीक्षण किया है। एसएसपी ने बंदीगृह, मालखाना, शस्त्र, कारागार, अभिलेखागार, आरक्षी की भीड़ बुक चेक की है। इसी के साथ ही उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास का निरीक्षण किया। उन्होंने कोतवाली में मुकदमे से संबंधित खड़े वाहनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई देखकर पुलिस कर्मियों की जमकर तारीफ की है। थाने का वार्षिक निरीक्षण है मेरे द्वारा, जो है इसमें बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखा है और इसमें कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, जैसा कुछ संसाधन का कमियाँ हैं उसी बारे में हमने एसओ साहब से डिस्कस किया है। डिस्कस करके जो है उनको हमने कहा था कि उसके बारे में एक प्रस्ताव भेजें, जो भी कमें जैसा आपदा संबंधित कोई आवश्यकता हो या जो थाने में और मूलभूत सुविधा की आवश्यकता हो तो उसी बारे में अवगत करने के लिए कहा है। उत्तराखंड में बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। बिजली कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उनकी 14 सूत्री मांगों को पूरा करे, जो वादे 2 दशक पहले किए गए थे। ऊर्जा निगम के कर्मियों का ये कहना है कि पिछले 4 साल से एसपी की पुरानी व्यवस्था लागू करने, उपनल के माध्यम से तैनात कर्मिकों के नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन समेत ऊर्जा निगमों में इंसेंटिव अलाउंसिंग का रिविजन हो। ऊर्जा कर्मिकों के हड़ताल का असर विकासनगर क्षेत्र के डाक पत्थर की 5 जल विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन पर भी लगातार पड़ रहा है। मांग है हमारी 9-5-5 में, जो कि हमारे सभी लोगों के प्रमोशन नहीं हो पाते थे, उन प्रमोशंस की वैकल्पिक व्यवस्था यह थी कि एक निश्चित समय में उन्हें 3 प्रमोशन उनके संपूर्ण सेवाकाल में मिल जाएं। उनकी अवधि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में, जिसकी हम लीगेसी लेते हैं, जो 2003 के एक्ट में भी है कि हमारी उससे सेवा सत्य उससे कम नहीं होंगी और ये मांग निरंतर हमारी चलती जा रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक की गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए तीलू रतौली पुरस्कार को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में जनपद के सभी विकास खंडों से 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिस पर विचार विमर्श किया गया है। बाल विकास विभाग के अंतर्गत जितने भी महिलाएं
आंगनबाड़ियों में कार्यरत हैं उनके माध्यम से जो है जो अच्छा कार्य किया जा रहा है, ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए कुछ नामों को संस्तुत करके जनपद से भेजने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में हमने समस्त विकास खंडों से न्यूनतम एक नाम इस तरीके से कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रस्ताव सुझाव को। वहीं रुड़की के बहुचर्चित विनय विशाल हॉस्पिटल पर तीमारदारों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीज के तीमारदारों का ये कहना है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने मृत मरीज का इलाज करने के नाम पर पैसे ऐंठे हैं। मृत मरीज के नाम पर पैसे लेने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। मृतक के परिवार ने थाने में शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है, जबकि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि मृतक के परिवार की तरफ से लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं एसपी देहात का ये कहना है कि पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर दे दी गई है, मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये एक व्यक्ति द्वारा जो यहाँ पर एक प्राइवेट संचालित एक हॉस्पिटल है उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन दी गई है कि उसके जीजा को यहाँ पर जो एडमिट किया गया था उसमें उसको दो सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहले में उसकी जो मृत्यु का समय है 5:54 दिखाया गया है, फिर दूसरे में 9:34 दिखाया है। इन दोनों ही मामलों में उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि इनके द्वारा फ्रॉड करके मेरे जीजाजी को गलत तरीके से रखा गया और उसमें जो है फर्जी बिल उसको प्रस्तुत किए गए। इस संबंध में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।